नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आज देश भर से कई ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, जिनका आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों बताते चले आपको कि जियो से लेकर बीएसएनएल तक मोबाइल कंपनियों ने बढ़ाई वैलिडिटी, मुफ्त टॉक टाइम भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में कटौती संवेदनहीन और मूर्खतापूर्ण कदम। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान का बड़ा दावा, 23 मार्च को मैंने खुद दी थी डीएसपी को निजामुद्दीन मरकज में 1000 लोगों के होने की सूचना। ड्राइविंग लाइसेंस में हुआ बड़ा बदलाव, केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। खाने के तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए खाद तेल उद्योग ने उठाया बड़ा कदम। लॉकडाउन में ग्राहकों को सुविधा के लिए पेटीएम ऐप में बदलाव, जरूरी पेमेंट आसान, कोविड-19 की सही जानकारी भी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर, ये बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जियो से लेकर बीएसएनएल तक मोबाइल कंपनियों ने बढ़ाई वैलिडिटी, मुफ्त टॉक टाइम भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, संकट के बीच ट्राई की अपील के बाद सभी दूरसंचार कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी को लॉकडाउन तक बढ़ा दिया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बीएसएनएल, एमटीएनएल के अलावा जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी शामिल है। भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण ने सोमवार को सभी कंपनियों से लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को रिचार्ज और कूपन मिलने में आ रही परेशानी को देखते हुए वैलिडिटी बढ़ाने की अपील की थी। इसके तत्काल बाद सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों की टॉक टाइम वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, साथ ही ₹10 का मुफ्त टॉक टाइम भी दिया था। इसके अलावा एयरटेल ने भी प्रति ग्राहक कम औसत राजस्व एपीआरयू के लिए वैलिडिटी को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और ₹10 का मुफ्त टॉक टाइम भी दिया है। इसका लाभ एयरटेल के 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को मिलेगा। जियो दे रही है 100 मिनट की मुफ्त कॉलिंग। रिलायंस जियो ने लॉकडाउन के दौरान अपने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए न सिर्फ वैलिडिटी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है, बल्कि ग्राहकों को कॉल करने के लिए 100 मिनट मुफ्त दे रही है। इसके अलावा 100 SMS भी दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि 17 अप्रैल के बाद भी बिना रिचार्ज कराए ऐसे ग्राहकों को इनकमिंग कॉल जारी रहेगी। इससे पहले कंपनी ने जियो स्टोर या अन्य खुदरा दुकानों से रिचार्ज में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ग्राहकों को UPI, ATM, SMS और कॉल के जरिए रिचार्ज की सुविधा भी दी जा चुकी है। जी हां दोस्तों, और साथ ही भारी घाटा से जूझ रही वोडा आइडिया ने भी संकट की इस घड़ी में अपने 10 करोड़ ग्राहकों को प्रीपेड वैलिडिटी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वोडा आइडिया लिमिटेड ने मंगलवार को जारी बयान में कहा है कि कम आय वाले करोड़ों उपभोक्ता बिना रिचार्ज कराए इनकमिंग कॉल की सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा उन्हें ₹10 का अतिरिक्त टॉक टाइम भी मुफ्त दिया जाएगा। अगली खबर, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में कटौती संवेदनहीन और मूर्खतापूर्ण कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और लोक भविष्य निधि PPF समेत लागू बचत योजनाओं ब्याज दरें कम करने के फैसले को संवेदनहीन और मूर्खतापूर्ण करार देते हुए बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि इस कटौती को वापस लिया जाए, अगले 3 महीने के लिए EMI पर ब्याज माफ किया जाए। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि भाजपा सरकार को मुनाफा मेरा और नुकसान तेरा नीति त्याग देनी चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, इस कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है और आज जब देशवासी कोरोना, आर्थिक मंदी, महंगाई की मार झेल रहे हैं तो उसे केंद्र सरकार से राहत की उम्मीद थी, लेकिन आज एक अमानवीय आदेश के जरिए केंद्र सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दर में कटौती कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निर्णय संवेदनहीन और मूर्खतापूर्ण है। शेरगिल ने कहा कि इससे पहले मार्च के महीने में स्टेट बैंक ने बचत खातों पर ब्याज में कमी कर दी थी, FD का ब्याज भी कम कर दिया गया, इससे लोगों को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भाजपा को मुनाफा मेरा नुकसान तेरा वाली नीति त्याग देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी 2 मांगे हैं, पहली के ब्याज दरों में कटौती को वापस लिया जाए और दूसरी मांग हमारी यह है कि अगले 3 महीने के लिए EMI पर ब्याज माफ कर दिया जाए। दोस्तों अगली खबर है, आप विधायक अमानतुल्ला खान का दावा, 23 मार्च को मैंने खुद दी थी DCP को निजामुद्दीन मरकज में 1000 लोगों के होने की सूचना। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा है कि पुलिस को सब पता था लेकिन इन लोगों को यहां से निकाला नहीं गया। अमानतुल्ला खान ने कहा है कि 23 मार्च को उन्होंने खुद पुलिस के सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी। मंगलवार को अमानतुल्ला खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि 23 मार्च को रात 12 बजे मैंने DCP साउथ ईस्ट और निजामुद्दीन SP को बता दिया था कि वहां मरकज में 1000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं, फिर भी पुलिस ने उनको भेजने का इंतजाम क्यों नहीं किया। अमानतुल्ला खान के अलावा मरकज की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि उनकी ओर से पुलिस को जानकारी भी दी गई थी और लोगों को निकालने की गुहार भी लगाई गई थी। मरकज की ओर से वो लेटर भी दिखाया गया है जो पुलिस को लिखा गया और लोगों ने भी सवाल किया है कि विदेशी ठहरे हुए थे तो पुलिस ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में FIR के लिए उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल को खत लिखा है। अगली खबर है, लॉकडाउन आपके ड्राइविंग लाइसेंस में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस पहल का मकसद कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन यानी बंद के दौरान सामान की ढुलाई को सुचारू बनाना। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में उनसे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानने को कहा है जिनकी मियाद 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।